नमस्कार दोस्तों, ऑनलाइन एजुकेशन में हम हमेशा से नए परिवर्तन और सुधार करते रहे हैं। सुधारों की कड़ी को आगे बढ़ाते हुए अब आपको हमारे मोबाइल कोर्स के माध्यम से अपने विषय के डाउट क्लियर करने का अवसर प्राप्त होगा। अब तक आपको हमारे मोबाइल कोर्स में 240 घंटे के रिकॉर्डेड वीडियो, 12 ऑनलाइन किताबें तथा प्रैक्टिस के लिए 3000 क्वेश्चंस मिल रहे थे। 15 मई 2020 से आपको इस कोर्स में प्रतिदिन एक नया वीडियो मिलेगा। यह नया वीडियो मोबाइल कोर्स परचेस करने वाले छात्रों के डाउट्स पर आधारित होगा। यदि आपने हमारा मोबाइल कोर्स परचेस किया हुआ है या आगे करने वाले हैं तो हम आपके प्रत्येक डाउट को अब यहां पर क्लियर करने वाले हैं। हम यह मानते हैं और हमें पूर्ण विश्वास है कि हमारी यह नई पहल वीडियो देखने की प्रणाली में एक नया परिवर्तन लाएगी और वीडियो के माध्यम से आप ज़्यादा बेहतर तरीके से अपनी पढ़ाई कर पाएंगे। नमस्कार दोस्तों, कंपटीशन कम्युनिटी में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं हेमंत प्रधान। मोबाइल कोर्स के एक विशेष सेशन में आप सभी का स्वागत है और आज हम डिस्कस करेंगे काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक जो आने वाले 2 वर्षों तक आपको ये टॉपिक हेल्प करेगी। जी हां दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट, जो प्रति 2 वर्षों में फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया भारतीय वन सर्वेक्षण के द्वारा प्रकाशित की जाती है और अभी हाल ही में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा 2019 की रिपोर्ट पब्लिश हुई है, जो अगले 2 वर्षों तक किसी भी राज्य स्तर के एग्ज़ाम में या फिर राष्ट्रीय स्तर के एग्ज़ाम में इसके डेटा, इसके तथ्य काफ़ी महत्वपूर्ण होंगे। तो क्या है इसे, आइए हम देखते हैं बहुत ही इम्पॉर्टेंट एवं सरल तरीके से, जिससे कि आप सभी महत्वपूर्ण तथ्यों को आसानी से समझ सकें। सबसे पहले अगर आप देखते हैं इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2019 को, तो कौन पब्लिश करता है इस रिपोर्ट को, तो कौन पब्लिश करता है, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अंतर्गत भारतीय वन सर्वेक्षण, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, ठीक है, के अंतर्गत क्या है, भारतीय वन सर्वेक्षण फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया FSI होता है। ये प्रत्येक दो वर्षों में इसे प्रकाशित करता है और हाल ही में जो रिपोर्ट प्रकाशित हुई है ये FSI की 16th नंबर की रिपोर्ट है, 16वीं रिपोर्ट प्रकाशित हुई है। अब 16th है तो इसका फर्स्ट रिपोर्ट कब पब्लिश हुआ होगा, फर्स्ट रिपोर्ट पब्लिश हुई थी 1987 में। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये दोनों डेटा इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। तो 1987 में फर्स्ट रिपोर्ट पब्लिश हुई थी और 16th नंबर की हाल ही में पब्लिश हुई है रिसेंट में। अगर आप देखेंगे फर्स्ट रिपोर्ट के बाद, जैसे फर्स्ट रिपोर्ट 1987, तो एवरी 2 वर्ष यानी कि हर 2 वर्ष के बाद ऑड नंबर आएगा, विषम संख्या आएगी। तो अगर आज तक हम देखें वर्ष 2019 तक, तो ये 17वीं रिपोर्ट होनी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है क्योंकि वर्ष 2007 में ये रिपोर्ट पब्लिश नहीं हो पाई थी, ये रिपोर्ट प्रकाशित नहीं हो पाई थी, इसलिए ये 16th नंबर की रिपोर्ट है, अदरवाइज ये 17 होती, ठीक है। अब देखिए ये जो रिपोर्ट होता है फॉरेस्ट सर्वे का, ये जो ISFR रिपोर्ट तैयार कैसे की जाती है, तो पहले तो एक जो मैनुअल तरीके से भी की जाती थी, बट हमारे पास अब रिसोर्स सेट सेटेलाइट आ चुका है, रिसोर्स सेट 1, रिसोर्स सेट 2 आ चुका भी, तो अभी जो रिपोर्ट जिस सेटेलाइट की मदद ली गई है वो है रिसोर्स सेट 2। इसमें एक महत्वपूर्ण टेक्नोलॉजी लगी हुई थी, इसको LISS कहते हैं, लीनियर इमेजिंग सेटेलाइट सिस्टम, जिसके मदद से वो इमेजिंग करता है और डेटा को कलेक्ट करता है, इंटरप्रिटेट करता है, उसके बाद वो आंकड़ों के द्वारा इसे प्रस्तुतिकरण की जाती है। ये क्लियर हो गया। अब इसके अंतर्गत ISFR या फॉरेस्ट सर्वे का जो रिपोर्ट है, इसके अंतर्गत क्या क्या चीज़ें शामिल की जाती हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा, क्योंकि ये आने वाले किसी भी एग्ज़ाम के लिहाज से एक महत्वपूर्ण प्रश्न भी बन सकता है। तो क्या शामिल की जाता है, देखिए सबसे पहले इसमें शामिल करते हैं फॉरेस्ट कवर को, यानी कि वन का आवरण क्षेत्र, साथ ही ट्री कवर यानी कि वृक्ष का आवरण क्षेत्र, यानी कि वन का आवरण क्षेत्र प्लस वृक्ष का आवरण क्षेत्र, ये दोनों को शामिल करते हैं, ठीक है। तो ये आपका पहला पार्ट हो गया। उसके बाद अगला पार्ट में क्या होता है कि बांस के संसाधन, जो बैम्बू रिसोर्सेस है, ये भी इसमें इस ISFR रिपोर्ट में शामिल किया जाता है। फिर कार्बन स्टॉक, कार्बन स्टॉक का मतलब द कार्बन एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी, यानी कि कार्बन सोखने की क्षमता, कार्बन कौन सोखेगा, सभी ग्रीन प्लांट्स सोखेंगे, क्योंकि ग्रीन प्लांट्स क्या करते हैं, हरे पौधे
प्रकाश संश्लेषण या फोटोसिंथेसिस करते हैं जो कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करते हैं, यानी कि कार्बन का एब्जॉर्प्शन होगा, ठीक है। तो कार्बन स्टॉक को भी इसमें शामिल किया जाता है। इसका मतलब क्या है, जितने ज़्यादा जंगल उतना ज़्यादा कार्बन स्टॉक कैपेसिटी। ये क्लियर हो गया। उसके बाद देखते हैं जंगल की आग, जो रिस्क फैक्टर होता है जंगल में आग लगने की, जो आशंका है कितने प्रतिशत ऐसे जंगल में ये आशंका ज़्यादा है, इसको भी प्रकाशित किया जाता है, शामिल किया जाता है। आई होप इतना दूर क्लियर हो गया आपको। अब आपके मन में क्वेश्चन उठना चाहिए कि जो फॉरेस्ट को लेके जो पॉलिसी बनाई जाती है, तो सबसे पहले कब ये प्रारंभ की गई थी। तो पहली राष्ट्रीय वन नीति कब प्रारंभ की गई थी, वर्ष 1988 में, 1988 में पहली बार राष्ट्रीय वन नीति जो है लागू की गई थी। अब उस वन नीति में क्या था, एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टारगेट लेके हम चल रहे थे, वो क्या था कि देश के कुल क्षेत्रफल का कम से कम 33% यानी एक तिहाई प्रतिशत क्या होना चाहिए, वन होना चाहिए। ये हमने लक्ष्य जो है निर्धारित किया हुआ था। और अभी का रिपोर्ट देखते हैं, वर्ष 2019 का रिपोर्ट, तो हम कहाँ पे हैं, एक चौथाई में, यानी कि 24.56% आज के डेट में हमारा कुल भारत के कुल क्षेत्रफल का एक चौथाई भाग जो है वन है। यानी कि हम पहली वन नीति के उस टारगेट को अचीव ही नहीं कर पाए हैं, ये समझ गए आप। तो अब हमारे पास जो है इसे इस जो फॉरेस्ट एरिया को है कैसे हम कवर करेंगे, देखिए फॉरेस्ट कवर प्लस ट्री कवर, ये दोनों मिलके क्या होता है आपका बनाएगा आपके टोटल फॉरेस्ट एरिया, कुल वन का क्षेत्रफल, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, आप देखेंगे अगर हम फॉरेस्ट कवर या वन आवरण वाला क्षेत्र देखते हैं, अभी इस टर्मिनोलॉजी को भी देखेंगे कि वन आवरण क्या होता है, वृक्षावरण क्या होता है। तो यदि वन आवरण क्या होता है, यदि मान लो एक ट्री है, देखिए एक ट्री है, तो ट्री का जो छांव वाला भाग है, जैसे ट्री के ये ऊपर जो है पत्तियाँ हैं, शाख हैं, डगालियाँ हैं, तो इनका जो ये छांव वाला एरिया, फिर इस ट्री का छांव वाला एरिया, इस ट्री का छांव वाला एरिया, ऐसा हम लगभग एक हेक्टेयर क्षेत्र में क्या करते हैं, मेजरमेंट करते हैं। तो यदि इस जो छांव वाला एरिया टोटल इस वन हेक्टेयर का 10% हो या 10% से ज़्यादा हो, तब उसे हम किस में कवर करेंगे, हम फॉरेस्ट एरिया में कवर करेंगे, यानी फॉरेस्ट कवर में कवर करेंगे, ठीक है। ये समझ गए, वन आवरण वाले क्षेत्र में कवर करेंगे, समझ गए। कुल वन हेक्टेयर का कम से कम 10% भाग होना चाहिए, 10% से ऊपर होना चाहिए। अभी हम देखेंगे कि वेरी डेंस फॉरेस्ट क्या है, अति सघन वन क्या है, घने वन क्या है, मध्यम वाले क्या हैं, तो इसमें ये कॉन्सेप्ट और अच्छी तरीके से क्लियर होगा। तो ये अभी समझ गए कि आपका उतना प्रतिशत भाग क्या है, 10% मिनिमम जो है होना ही चाहिए या 10% से ज़्यादा होना चाहिए, ये क्लियर हो गया। अब इसमें कैसे इमेजिंग करते हैं, देखिए मान लो यहाँ पे सैटेलाइट है, यहाँ पे मान लो कि एक सैटेलाइट है, तो सैटेलाइट से क्या होगा, आप यहाँ पे इसकी इमेजिंग होगी, इसकी इमेजिंग होगी, तो यहाँ पे ये एरिया जो है इसका कैलकुलेशन इस सैटेलाइट के द्वारा कर लिया जाएगा, समझ रहे हैं। तो यही वो इमेजिंग टेक्निक है जिसकी मदद से हम क्या है जो ISFR रिपोर्ट है वो तैयार करते हैं। इतना दूर क्लियर हो गया। अब इस ISFR में पहली बार एक विशेष काम किया गया है, वो क्या विशेष काम है कि पहली बार हमने राष्ट्रीय वन सूची हमने तैयार की है। राष्ट्रीय वन सूची का अर्थ क्या है, इसमें अगर आप देखेंगे नेशनल फॉरेस्ट इन्वेंट्री जो है ये पहली बार जो है इसे शामिल किया गया है। और नेशनल फॉरेस्ट इन्वेंट्री का मतलब क्या है, इन्वेंट्री मतलब सूची, तो इसमें पहली बार जंगल से मिलने वाले जो प्रोडक्ट होते हैं, जंगल से मिलने वाले जो उत्पाद हैं, उनकी सूची, उसको सूचीबद्ध करेंगे और उससे जो इकोनॉमिक वैल्यू है उसका या उससे होने वाले लाभ है, उस पर जो निर्भरता है, उसे भी हम शामिल करेंगे। तो पहली बार ये एक विशेष काम किया गया है कि राष्ट्रीय वन सूची, नेशनल फॉरेस्ट इन्वेंट्री जो है तैयार की गई है। ये क्लियर हो गया इतना दूर। अगर आप इतना क्लियर कर लिए हैं तो फिर हम एक इसके इम्पॉर्टेंट डेटा और इससे संबंधित महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट की ओर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे दो टाइप के टर्मिनोलॉजी आते हैं। एक होता है, आपने देखा कि फॉरेस्ट कवर जो कैनोपी वाला एरिया, हमने देखा कि 10% से ज़्यादा हो
वो आपका फॉरेस्ट कवर में आ जाता है, है ना, वन आवरण वाले क्षेत्र में। एक टर्मिनोलॉजी आप सुनते होंगे आर एफ ए रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया। आर एफ ए का मतलब ये होता है कि वन का वह क्षेत्र जो किसी सरकारी रिकॉर्ड में है या किसी अधिनियम या नियम के तहत वो अधिसूचित है, वो गवर्नमेंट के पास उसका रिकॉर्ड है, ठीक है। तो आरएफए का जो होता है रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया होता है वो हमेशा कम होता है जनरली फॉरेस्ट कवर से। ऐसा इसलिए क्योंकि कई बार हम किसी ऐसे वन के पास में रहने वाले किसी ट्राइब्स को या किसी ऐसे पर्सन को हम क्या कर देते हैं, वह क्षेत्र वन का पट्टा दे देते हैं या किसी उस क्षेत्र में रहने के लिए निवास के लिए उनको हम क्या कर देते हैं, गवर्नमेंट की तरफ से उनको परमिशन दे दी जाती है। तो इसलिए रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया जो होता है जो वन के आवरण वाले क्षेत्र से कम होता है, ये क्लियर हो गया। अब यहाँ पे देखते हैं कि हमारे पास वास्तव में जो वन है वो कौन से ज़्यादा घने हैं, कौन से मध्यम वाले हैं, कौन से खुले वन हैं और इनसे संबंधित क्या प्रश्न बन सकते हैं। तो सबसे महत्वपूर्ण तरीके से समझते हैं कि कितने प्रकार के प्रश्न बनेंगे। देखिए कि भारत का क्षेत्रफल कुल कितना है, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, ये पता है आपको। तो भारत के कुल क्षेत्रफल का 1/4 लगभग यानी कि 24.5% क्या है, वन का क्षेत्र है, जिसमें कि हम क्या क्या शामिल कर लेते हैं, वृक्ष का आवरण क्षेत्र प्लस वन का आवरण क्षेत्र, यानी कुल भौगोलिक क्षेत्र का जो है इतना प्रतिशत, 1/4 भाग लगभग क्या है, वन है, ये शामिल कर लेते हैं। लेकिन कौन से ऐसे वन के प्रकार हैं जो ज़्यादा घने हैं, तो जैसे उनकी घनत्व के आधार पर, डेंसिटी के आधार पर हम इसे डिवाइड करते हैं, अति सघन वन यानी कि वेरी डेंस फॉरेस्ट, इसका जो एरिया है 99,278 किलोमीटर है, या आप इसे मोटा मोटा 99 को याद रख सकते हैं, लेकिन इसका परसेंटेज बड़ा इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। ऐसा इसलिए क्योंकि कई बार इसमें प्रश्न पूछा जाता है डिक्रीजिंग ऑर्डर में या इंक्रीजिंग ऑर्डर में पूछ लेता है कि कौन सा अधिक या कौन सा कम है, ठीक है। तो जिसकी जो घनत्व है वो 70% से अधिक हो, ऐसे वन जो है अति सघन वन कहलाते हैं। तो अति सघन वन कहाँ पे होंगे, मोस्टली जो जहाँ पे ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट होता है, ठीक है, जहाँ पे ज़्यादा जो होता है उष्णकटिबंधीय वर्षा वन वाले पार्ट होते हैं, तो उसमें देखेंगे तो यहाँ पे अति सघन वन होते हैं जहाँ पे ज़्यादा घनत्व होता है 70% से अधिक, जैसे हिमालय क्षेत्र, या नॉर्थ ईस्ट में देखें तो जो आप देखते हैं ईस्टर्न हिमालयन वाला क्षेत्र, पश्चिमी घाट का कुछ भाग, या सेंट्रल इंडिया में कुछ भी मिल जाएंगे आपको अति सघन वन वाले वन, ठीक है, अगर गवर्नमेंट की वेबसाइट को देखें उसके अनुसार। उसके बाद देखते हैं यदि वन का घनत्व 40-70% के बीच हो तो ऐसे वन क्या है, मॉडरेट डेंस फॉरेस्ट कहलाते हैं, मध्यम घने वन। इसका परसेंटेज है 9.38% ऑफ टोटल एरिया, समझ गए। उसके बाद यदि 10-40% के बीच घनत्व हो तो वो ओपन फॉरेस्ट में गिने जाते हैं, और इसकी जो इनका जो परसेंटेज है 9.26% है। तो अगर मैं यहाँ पे बोलूँ, एक इम्पॉर्टेंट प्रश्न जो बनता है वो प्रश्न क्या हो सकता है कि हम यहाँ पे इसको शॉर्ट फॉर्म में देखें, आपको दे देगा कि VDF, ठीक है, और OF और MDF, तीन चीज़ दे दिया गया आपको, ठीक है। तो इसमें सबसे अधिक परसेंटेज किसका है, तो सबसे अभी देख रहे हैं मॉडरेट डेंस फॉरेस्ट का है, तो मॉडरेट डेंस फॉरेस्ट सबसे अधिक, उसके बाद ओपन फॉरेस्ट, उसके बाद VDF, ये क्लियर हो गया। तो यहाँ पे ये समझने वाली बात है, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ से बन सकता है, ये क्लियर हो गया। अब हम समझिए, मैं कैनोपी वाला कॉन्सेप्ट अभी बताया था कि 1 हेक्टेयर में अगर हम सैटेलाइट से इमेजिंग करते हैं तो 10% कैनोपी से अगर ज़्यादा हो तो वो फॉरेस्ट कवर में आता है, अदरवाइज़ वो ट्री कवर में आएगा, ठीक है। तो इतना यहाँ पे 10 वाला जो स्केल है हम कवर कर लिए कि वो मिनिमम क्या है, स्केल 10 ही है, तो 10% से ऊपर वाले यही एक्चुअल में वन आवरण क्षेत्र है, और बाकी जो हैं क्या क्या बच जाएंगे, बाकी जो स्क्रब वाला एरिया है वो क्या कहलाएगा, आपका ट्री कवर में आ जाएगा। इसके अलावा जो नॉन फॉरेस्ट एरिया है कितना बच जाएगा, नॉन फॉरेस्ट आपको प्रश्न ऐसा भी पूछ सकता है कि भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत भाग में वन नहीं है, तो आपको परसेंटेज दे दिया गया, तो आप
कैलकुलेट करते रहेंगे या फिर आपको डेटा याद नहीं आएगा, लेकिन आपको 100 से माइनस कर लेंगे आप 24.56, तो क्या बच जाएगा आपका, आपका बच जाएगा 76.92%। इतने प्रतिशत भाग पे वन नहीं है भारत में, ये क्लियर हो गया। अब यहाँ पे एक चीज़ और समझिए कि यहाँ पे कुल आच्छादित का कितना प्रतिशत भाग वन का आवरण क्षेत्र है, फॉरेस्ट कवर, फॉरेस्ट कवर यानी कि वो कैनोपी वाला 10% से ऊपर, तो वो कितना है कुल एरिया का 21.67%। कुल एरिया का 21.67% क्या है आपका, वन का आवरण क्षेत्र है, फॉरेस्ट कवर है, क्लियर हो गया। अगर हम वृक्ष के आवरण क्षेत्र यानी कि आप देखते हैं ट्री कवर वाला क्षेत्र को हम इसमें ऐड कर देते हैं जो कितना है 2.89% ऑफ एरिया, तो उसके बाद दोनों को जोड़ देते हैं तो भारत के कुल क्षेत्रफल का 1/4 भाग यानी कि लगभग 24.56% का वो डेटा निकल आता है, ये क्लियर हो गया। हो सकता है आपको ये डेटा ना पूछे लेकिन ये परसेंटेज वाला काफ़ी महत्वपूर्ण है, लेकिन आपको यहाँ पे कुछ डेटा ओरिएंटेड अगर देखते हैं तो ये दो महत्वपूर्ण डेटा इम्पॉर्टेंट है। कुल कितना है ना 807276 वर्ग किलोमीटर, और अगर सिर्फ फॉरेस्ट कवर को देखते हैं तो 712249 वर्ग किलोमीटर, ठीक है, स्क्वायर किलोमीटर। तो ये आपको पूछता है, ये दो डेटा इम्पॉर्टेंट है। इतना दूर क्लियर हो गया आपको, अगर आप ये क्लियर कर लिए हैं तो इसके आगे वाला पार्ट हम देखते हैं कि जिसमें कि आपको कुछ और महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट समझने को मिलेगा। इसके बाद देखिए कि जो महत्वपूर्ण प्रश्न बन रहा है वो क्या है, ये देखिए जो डेंसिटी के आधार पर जो हमने डिवीज़न किया था, तो ये डिवीज़न के आधार पर अगर देखेंगे आप तो मॉडरेट डेंस फॉरेस्ट इज़ ग्रेटर देन ओपन फॉरेस्ट, ओपन फॉरेस्ट ग्रेटर देन वेरी डेंस फॉरेस्ट इज़ ग्रेटर देन स्क्रब, ठीक है, यानी कि ये घटता हुआ क्रम है जिसमें कि परसेंटेज देख रहे होंगे जो मध्यम घने वन है 9.39, उसके बाद खुले वन है 9.26, उसके बाद वेरी डेंस फॉरेस्ट है 3.02% और स्क्रब जो है 1.41%। ये याद रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है, यहाँ से प्रश्न संभावित है। इसके बाद देखिए विगत दो वर्षों में जो हमारे देश की जो वन का आवरण क्षेत्र यानी फॉरेस्ट कवर प्लस जो ट्री का कवर क्षेत्र यानी कि वृक्ष का आवरण क्षेत्र में कितनी वृद्धि हुई है, तो यदि फॉरेस्ट कवर को देखें तो 3976 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है जो 0.56% का ग्रोथ दिखाता है। इसके अलावा अगर आप वृक्ष के आवरण क्षेत्र में देखते हैं तो 1212 किलोमीटर होता है जो 1.29% का ग्रोथ दिखाता है। ये पिछली रिपोर्ट 2017 के अनुसार है, 2017 से अभी 2019 के अनुसार ये इतनी ग्रोथ ये प्रदर्शित करता है। अब हम देखते हैं फॉरेस्ट कवर प्लस ट्री कवर में टोटल कितना वृद्धि हुआ है, तो वो है 5188 वर्ग किलोमीटर जो कितनी वृद्धि दर्शाता है, 0.65% की वृद्धि दर्शाता है। ये डेटा भी इम्पॉर्टेंट है, ये क्लियर हो गया। अब यदि हम देखें इन तीनों प्रश्न के बाद हमारे पास आगे ऐसी कौन सा जो इम्पॉर्टेंट डेटा है जो काम आएगा, वो है राज्यवार जो आंकड़े हैं कि कौन सा राज्य ज़्यादा जहाँ पे वन क्षेत्र फैल है, कहाँ पे वन का आवरण क्षेत्र है, कहाँ पे ज़्यादा उसका जो है वन का आच्छादित वाला एरिया है, तो ये सब डेटा आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। तो आइए वो उसकी हम प्रॉपर लिस्टिंग कर लें, ठीक है। अब राज्यवार जो महत्वपूर्ण आंकड़े क्या क्या हो सकते हैं, देखिए सर्वाधिक जो है वन क्षेत्रफल वाले राज्य, सर्वाधिक वन क्षेत्रफल वाले राज्य में अगर आप देखेंगे तो सबसे पहला आता है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश हमारा पहला ऐसा राज्य है जहां पे सर्वाधिक वन क्षेत्रफल है, ठीक है, वो कितना है 77,482 वर्ग किलोमीटर। उसके बाद देखते हैं अरुणाचल प्रदेश सेकेंड रैंक है 66,688 वर्ग किलोमीटर। हमारा छत्तीसगढ़ है 55,611 वर्ग किलोमीटर यहाँ पे वन क्षेत्रफल है। ओडिशा है 51,619 वर्ग किलोमीटर और महाराष्ट्र है 50,778 वर्ग किलोमीटर। तो इनकी रैंकिंग आप देख लें, मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा एंड महाराष्ट्र। ये सीक्वेंस बड़ा इम्पॉर्टेंट है, ये एग्ज़ाम में पूछा जाता है, ये क्लियर हो गया। उसके बाद यदि हम इनके जो फॉरेस्ट कवर वाला क्षेत्र देखते हैं उसका परसेंटेज अगर देखेंगे तो सबसे ज़्यादा परसेंटेज यानी उसके कुल भूभाग का सबसे ज़्यादा परसेंट कितना है,
कौन से राज्य में ज़्यादा है वो देखिए, मिजोरम है उसकी कुल क्षेत्रफल का 85.41% क्या है, वन आवरण यानी कि वन का आवरण क्षेत्र यानी कि फॉरेस्ट कवर एरिया है। अब अरुणाचल प्रदेश देखिए, इसमें भी अरुणाचल प्रदेश सेकेंड रैंक था वन क्षेत्रफल में, फॉरेस्ट एरिया है ये, ठीक है, ये फॉरेस्ट एरिया है और ये फॉरेस्ट कवर है, याद रखिएगा, वन आवरण, वन का आवरण क्षेत्र प्लस ये फॉरेस्ट एरिया, वन का कुल क्षेत्रफल। तो अरुणाचल प्रदेश में क्या है, 79.63% जो है इनका कुल क्षेत्रफल का इतना प्रतिशत भाग क्या है, वन आवरण क्षेत्र है, फॉरेस्ट कवर क्षेत्र है। मेघालय है 76.33%, मणिपुर है 75.46% और नागालैंड है 75.31%। ये डेटा बहुत महत्वपूर्ण है, आप इसे नोट कर सकते हैं। आई होप ये क्लियर हो रहा होगा आपको, ये दोनों में डिफरेंस भी आपको समझ आ रहा होगा, वो परसेंटेज है, ये डेटा है, ये फॉरेस्ट एरिया है, वो फॉरेस्ट कवर है, ठीक है। उसके बाद फॉरेस्ट कवर एरिया में टोटल जो ग्रोथ दिखा है कि कहाँ पे सबसे ज़्यादा मिला है, कौन सा ऐसा राज्य है जहाँ पे फॉरेस्ट एरिया में इंक्रीजमेंट दिखा है, वृद्धि दिखी है, तो वो क्या है, कर्नाटका फर्स्ट है, आंध्र प्रदेश इज द सेकेंड, केरला थर्ड है, जम्मू एंड कश्मीर फोर्थ है और हिमाचल प्रदेश फिफ्थ है। ये क्लियर हो गया, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, केरल, जम्मू कश्मीर और हिमाचल, ये डेटा बहुत महत्वपूर्ण है, ये तीनों प्रकार के डेटा। तो इसमें एटलीस्ट सीक्वेंस याद रखें, परसेंटेज याद रखें, या हो सकता है आप निमोनिक्स या किसी ऐसे मेथड के थ्रू इसे याद रखें, लेकिन अल्टीमेटली एग्जाम रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट कंटेंट है। आई होप ये क्लियर हो गया। अब आगे चलते हम वेटलैंड एंड मैंग्रोव क्षेत्र की ओर। तो वेटलैंड कौन सा एरिया होता है, वेटलैंड की परिभाषा आपको पता होगा, रामसर समिट में दी गई थी कि ऐसा कोई भी क्षेत्र जो क्या है, जो दलदली क्षेत्र है, हल्का उसमें पानी वाला क्षेत्र है ना, उनकी गहराई जो है 10 मीटर से ज़्यादा ना हो, ऐसे क्षेत्र को हम क्या कहते हैं, नम भूमि या वेटलैंड क्षेत्र कहते हैं। इसका स्टैंडर्ड डेफिनेशन वैसे रामसर वाले सबमिट में दी गई थी। तो हम अब देखते हैं नम भूमि क्षेत्र और मैंग्रोव क्षेत्र। मैंग्रोव फॉरेस्ट क्या होते हैं, जो जनरली वो सेलाइन वाटर में भी वो ग्रो कर लेते हैं, काफ़ी नेचर के काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट कंडीशन में भी अपने आप को वो सर्वाइव करा लेते हैं, यानी कि वहाँ पे वो ग्रो करते हैं। तो आइए हम इसे भी देखते हैं। इसके बाद देखिए, जब हम मैंग्रोव और नम भूमि की बात करेंगे, इससे रिलेटेड भी कुछ डेटा इंपॉर्टेंट है। पैरेलली हम एक और महत्वपूर्ण डेटा को भी यहाँ शामिल करते हैं कि फॉरेस्ट कवर में कमी भी पाई गई है कुछ जगह, और वो कौन सा एरिया है जहाँ फॉरेस्ट कवर में यानी कि वन आवरण क्षेत्र में कमी दर्शाया गया है। उत्तर पूर्वी राज्यों में 765 वर्ग किलोमीटर जो है, इतना एरिया जो है वन का आवरण क्षेत्र में कमी दर्ज किया गया है, जो उसके कुल एरिया का 0.45% है। ये एक महत्वपूर्ण डेटा है कमी वाला। अगर हम देखें उत्तर पूर्व में जो 7 सिस्टर्स हैं, 7 जो बहनें हैं, 7 जो राज्य हैं, उनमें अगर हम देखें तो असम और त्रिपुरा को छोड़ दें, ये 2 ही राज्य हैं जहाँ पे मतलब वन क्षेत्र, वन आवरण में जो है वृद्धि दर्ज की गई है। उसके अलावा बाकी सभी राज्यों में क्या है, वन क्षेत्रफल में, सॉरी वन कवर में, फॉरेस्ट कवर में, वन आवरण क्षेत्र में कमी दर्ज की गई है। तो सबसे ज़्यादा कमी कहाँ दर्ज की गई है, मणिपुर में जो 499 वर्ग किलोमीटर है, फिर अरुणाचल प्रदेश में और यहाँ पे मिजोरम में, यहाँ इन तीनों राज्यों में सर्वाधिक वन के आवरण क्षेत्र में कमी दर्शाया गया है। दोस्तों यहाँ पे ये डेटा महत्वपूर्ण है, पिछले 2017 के डेटा के कंपेटिवली 2019 में कितनी कमी वृद्धि को कंपेयर किया गया है। इसके पहले प्रारंभ में हमने देखा था अरुणाचल प्रदेश जो है सेकंड रैंकिंग रख रहा था, किस क्षेत्र में, किस दो महत्वपूर्ण रैंकिंग में दूसरा रैंक था उसका, एक है आपका क्या है बताइए आप, एक उसमें अगर देखेंगे क्या देखेंगे कि इसमें जो महत्वपूर्ण है कि वो सर्वाधिक वन आवरण का प्रतिशत पूछा है, तो उसमें सेकंड रैंक है, वन आवरण का प्रतिशत है। लेकिन 2017 के वन आवरण प्रतिशत और 2019 के वन आवरण प्रतिशत में अगर हम कंपेयर करें तो उसमें जो है सर्वाधिक कमी जो है पाई गई है, उसमें सेकंड रैंक है अरुणाचल प्रदेश का। तो ये एक बाय डिफ़ॉल्ट सब में सेकंड रैंक आ रहा है। वन क्षेत्रफल में भी उसका क्या है, वन क्षेत्रफल में भी उसका क्या है, सेकंड रैंक है, अगर आप उसमें इससे पहले वाले में अगर नोट किए होंगे, ठीक है। उसके बाद जब हम चलते हैं मैंग्रोव की ओर, तो मैंग्रोव फॉरेस्ट के बारे में बता रहा था कि काफ़ी डिफ़िकल्ट
जो क्लाइमेटिक कंडीशन में भी वो क्या है अपने आप को ग्रो करा लेते हैं और कह सकते हैं वो काफ़ी उनकी जो सर्वाइवल कैपेसिटी है, प्रकृति के साथ सामंजस्य बनाने की जो शक्ति है वो काफ़ी ज़्यादा रहती है। वो आसानी से मरते नहीं हैं और आसानी से वो ग्रो कर जाते हैं। तो मैंग्रोव क्षेत्र में भारत का कुल मैंग्रोव क्षेत्र कितना है, देखिए 4975 वर्ग किलोमीटर, इतना भारत का कुल मैंग्रोव क्षेत्र है। इसमें 2017 के मुकाबले 2019 में कितने प्रतिशत की वृद्धि पाई गई, 1.10% की वृद्धि पाई गई, जो कि 54 वर्ग किलोमीटर के बराबर है। और मैंग्रोव क्षेत्र में वृद्धि करने वाले तीन शीर्ष राज्य, सब देखो कोस्टल राज्य हैं, तटीय राज्य हैं, तो गुजरात है 37 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि दर्ज की गई है, महाराष्ट्र में 16 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि दर्ज की गई है और ओडिशा में 8 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि दर्ज की गई है। ये मैंग्रोव के बारे में भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट जो डेटा है वो एग्ज़ाम में पूछा जाता है, इसीलिए भी इसे आप नोट डाउन कर लें। इसके बाद अगर आप कुछ और महत्वपूर्ण जो एग्ज़ाम रिलेटेड फैक्ट्स हैं वो नोट कर लीजिए आप, जैसे हम देखते हैं इससे पहले कि हम वेटलैंड की ओर आगे बढ़े, तो देखिए जो ट्राइबल एरिया होता है, जो जनजाति क्षेत्रों में जो रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया है उसमें कमी पाई गई है, ठीक है, जबकि इस रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया के बाहर इसमें वृद्धि दर्ज की गई है। मैंने आपको इसका रीज़न बताया था, कई बार जो वन क्षेत्र में निवास करने वाले ऐसे ट्राइब्स या जनजाति जो लोगों को, निवासियों को हम क्या कर देते हैं, वन का पट्टा देते हैं, वन क्षेत्र में उनको रहने के लिए पट्टा दे देते हैं, यानी कि द गवर्नमेंट ऑफिशियल जो है डॉक्यूमेंटेशन कर देते हैं, जिसके बाद उनको क्या है उनका निवास क्षेत्र के रूप में उसे चिन्हित कर लिया जाता है और रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया से हम उसे हटा देते हैं। इस कारण इस क्षेत्र में कमी दर्ज की गई है, जबकि इस रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया के बाहर, एग्जाम्पल बता रहा हूँ, जैसे आपके पास कहना चाहिए एक बड़ा सा एरिया है जो आम का बगीचा है, तो आम का बगीचा आपने रिसेंटली डेवलप किया अगले 4-5 सालों में, और 5 साल के बाद हम उस देखते हैं कि वो पहले रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया में कुछ था ही नहीं, है ना, और अभी भी आपने जब उसे ग्रो कर लिया वो बगीचा वाला एरिया, अभी भी वो गवर्नमेंट के रिकॉर्ड में नहीं है, किंतु जब सैटेलाइट से मैपिंग की जाएगी तो मैपिंग करने के दौरान हो सकता है वो उस 1 हेक्टेयर वाला कॉन्सेप्ट उसमें अप्लाई हो जाए कि वो कैनोपी वाला एरिया घोषित हो जाए, यानी कि 10% से ज़्यादा डेंसिटी हो, तो वो एरिया क्या है अब कहला जाएगा, वो फॉरेस्ट कवर एरिया में गिना जा सकता है लेकिन रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया में नहीं गिना जा सकता। यही कारण है कि RFA जो होता है, रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया छोटा होता है वन या वन आवरण यानी फॉरेस्ट कवर की तुलना में। ये क्लियर हो गया, तो महत्वपूर्ण डेटा ये समझ गए कि जनजाति क्षेत्र में RFA में कमी दर्ज की गई है जबकि उसके बाहर क्षेत्र में वृद्धि है। वनों पर ईंधन की निर्भरता सर्वाधिक जो है वो महाराष्ट्र में है, चारा, छोटे लकड़ी, बांस की आदि पर निर्भरता जो है सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश में है, ठीक है। और अगर हम भारत के संदर्भ में दो महत्वपूर्ण डेटा नोट करते हैं जो वर्ष 2015 के समय प्रकाशित हुई थी, उसी के आधार पर डेटा है, क्योंकि ISFR ये डेटा नहीं बनाता, ये डेटा को कॉपी किया गया है, ठीक है, ये डेटा के हिसाब से भारत विश्व के शीर्ष वन क्षेत्रफल वाले देशों में 10वां स्थान है। सबसे ज़्यादा वन कहाँ पे है, रूस है, क्योंकि काफ़ी बड़ा देश भी है और उसका काफ़ी लगभग 48% लगभग भाग क्या है वो क्या है जंगल वाला एरिया है। और उसके बाद ब्राज़ील है, उसका लगभग टोटल एरिया का 58% है, लेकिन वो रूस की तुलना में छोटा है इसीलिए वो क्षेत्रफल में वो सेकेंड रैंक दिखा रहा है। तो रूस, ब्राज़ील, कनाडा, ये शीर्ष तीन राज्य हैं, भारत देश है, और शीर्ष तीन देशों में के अलावा भारत जो है 10वां ऐसा राष्ट्र है जो शीर्ष वन क्षेत्रफल वाले देश हैं। वन क्षेत्रफल में वृद्धि वाले देशों में, ये देशों में क्या है, भारत का स्थान कहाँ है, भारत जो है 8वां स्थान है। सबसे ज़्यादा वन क्षेत्रफल में वृद्धि चीन में हुई है, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया में हुआ है। तो भारत में, भारत का रैंकिंग क्या है यहाँ पे 8वां है, ठीक है। आइए अब हम चलते हैं नम भूमि की ओर, वेटलैंड की ओर, जो काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं बायोडायवर्सिटी, जैव विविधता की दृष्टि से। जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है, 22 मई को, तो 22 मई के दिन विश्व जैव विविधता दिवस मनाया जाता है और वेटलैंड उसमें एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है, जो कि दो महत्वपूर्ण पारिस्थितिक तंत्रों का मिलन स्थल होता है, जलीय पारिस्थितिक तंत्र और स्थलीय पारिस्थितिक तंत्र, और दोनों के बीच में एक संक्रमण क्षेत्र उत्पन्न होता है जहाँ पे ज़्यादा
जो होता है जैव विविधता बायोडाइवर्सिटी दिखती है, जहाँ पे बहुत टाइप के प्लांट्स या एनिमल स्पीसीज मिलते हैं। ठीक है, तो आइए इसे हम विस्तार पूर्वक चर्चा करते हैं। तो जो वेटलैंड है या नम भूमि क्षेत्र है, अगर हम रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया के हिसाब से देखें तो भारत में जो जितने भी कोस्टल वाले राज्य हैं, जैसे कि गुजरात है, पश्चिम बंगाल है, उड़ीसा है, ठीक है, केरला वाले क्षेत्र हैं, ऐसे एरिया में आपको वेटलैंड आसानी से देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो इसमें क्या है, भारत में अगर आज के हिसाब से देखा जाए, वह भी नए रिपोर्ट के हिसाब से देखा जाए, जो रामसर समिट के जो चिन्हित किए गए स्थान हैं, तो पहले क्या है, वो जो संख्या थी 27 थी, वो हाल ही में जो है वर्ष 2020 में 19-20 के रिपोर्ट में उसे 10 और नए ऐसे वेटलैंड को शामिल कर लिया गया है। जब इसकी संख्या वर्तमान में कितनी हो चुकी है, 37 हो चुकी है, ये याद रखिएगा। ठीक है, और वर्ल्ड फेमस आपको पता है चिल्का लेक, चिल्का लेक जो है जिसे हम रामसर पुरस्कार भी मिल चुका है, जो उड़ीसा में स्थित है, उसे क्या है वो एक लार्जेस्ट जो है वेटलैंड एरिया में गिना जाता है। क्लियर हो गया। अब यहाँ पे नम भूमि क्षेत्र में जो भारत का जो कुल क्षेत्रफल है, भारत में नम भूमि का कुल क्षेत्रफल है 62,466 वर्ग किलोमीटर, जो कुल क्षेत्रफल का 3.8% भाग है। ठीक है, और इसमें अगर आप देखेंगे जो शीर्ष राज्य जो है गुजरात है, जहाँ पे सर्वाधिक क्या है वेटलैंड जो है पाया जा रहा है, और उसके बाद है पश्चिम बंगाल, यहाँ पे भी वेटलैंड, क्योंकि आपको पता है सुंदरबन इसी एरिया में है, इस कारण ये शीर्ष राज्य है जहाँ पे वेटलैंड पाया जाता है। और इसके बाद अगर देखेंगे अगला जो महत्वपूर्ण जो कॉन्सेप्ट है, जो कार्बन स्टॉक के बारे में बताया था, कार्बन सोखने की क्षमता यानी कार्बन डाइऑक्साइड एब्सॉर्प्शन पावर है ना, सोखने की क्षमता, तो ज़्यादा जंगल होगा तो ज़्यादा कार्बन सोखने की क्षमता होगी, कुल मिला के जंगल एरिया जितना ज़्यादा बढ़ेगा उसकी बात कर रहा है। तो अगर हम देखते हैं भारत की कुल क्षमता है 7,124 मिलियन टन, इसकी क्षमता है कार्बन स्टॉक की, और जो 2017 के रिपोर्ट से अगर हम कंपेयर करें, 15वीं रिपोर्ट से हम कंपेयर करें, तो 16वीं रिपोर्ट में 42.6 मिलियन टन जो है इसकी क्षमता में वृद्धि दर्ज की गई है। आई होप ये भी क्लियर हो गया होगा। अब उसके बाद जो कार्बन स्टॉक के बाद एक बसता है क्या है लास्ट, वो है जंगल में आग, जो इसे शामिल करते हैं हम ISFR रिपोर्ट में। तो भारत के कुल वन क्षेत्रफल का 21.40 क्षेत्रफल ऐसा है जहाँ पे वन में आग लगने की आशंका काफ़ी ज़्यादा रहती है, या रिस्क एरिया है, रिस्क काफ़ी यहाँ पे रहती है। ये क्लियर हो गया। पैरेलली दो और महत्वपूर्ण पॉइंट है, वो भी नोट कर लीजिए कि भारत में रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया के हिसाब से वन आवरण में कमी दर्ज की गई है। ठीक है, वैसे अगर देखा जाए तो वन क्षेत्रफल में हम देखते हैं वृद्धि दर्ज की गई है, लेकिन वन आवरण में क्या है यानी कि फॉरेस्ट कवर में कमी पाई गई है, किसके हिसाब से, RFA के हिसाब से, रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया के हिसाब से, जबकि इससे बाहर जाते हैं तो वृद्धि दर्ज की गई है। और जो कितना है वह है 333 वर्ग किलोमीटर, जो एक आंशिक वृद्धि कैसे आंशिक कमी कह सकते हैं 0.05%। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। अब फॉरेस्ट सर्वे में जो महत्वपूर्ण डेटा है, मेरे ख्याल से काफ़ी महत्वपूर्ण एक आंकड़ों का यहाँ पे संग्रहण हो चुका है, हम एक और सेशन भविष्य में देखेंगे जो पूरी तरह से प्रश्नों पर आधारित होगा, जिसमें सभी महत्वपूर्ण आंकड़े हम समावेश करेंगे, जो आने वाले कोई भी एग्ज़ाम हो, चाहे असिस्टेंट कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट रेंजर का एग्ज़ाम हो, चाहे राज्य के किसी और महत्वपूर्ण एग्ज़ाम हो, चाहे राष्ट्रीय स्तर के एग्ज़ाम में पूछे जाने वाले वो सभी प्रश्नों का एक संभावित संग्रहण एवं कलेक्शन होगा। आई होप ये क्लियर हो गया होगा आपको। आप हमारे साथ बने रहिए, और कोई भी अगर आपको डाउट होता है तो जरूर आप कमेंट बॉक्स में हमको लिख के पूछ सकते हैं। थैंक यू। CGPSC की संपूर्ण तैयारी के लिए कंपटीशन कम्युनिटी के YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और डेली अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।